अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ एंड ब्लॉग विद ब्यूटी। आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली स्टाइल नारियल पुलाव और चिकन करी। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर कोकोनट मिल्क ले रहे हैं 6 कप राइस के लिए, और हम कुछ खड़े गरम मसाले ज़ीरा, जावित्री, काली मिर्च, बादियान फूल, लौंग, दालचीनी के टुकड़ा और बड़ी इलायची ये ले लेंगे हम। और हम इसमें लेंगे अपनी 1 मीडियम साइज़ प्याज ले लेंगे, 6 से 7 हरी मिर्ची ले लेंगे हम इसमें, लहसुन अदरक पेस्ट ले लेंगे और तेज़पत्ता ले लेंगे। देखिए हमने ये 6 कप राइस के लिए लिया है ये, और हम इसको 1 घंटे के लिए भिगो देंगे पानी में चावलों को। फिर हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करा है। फिर हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे, प्याज को लाल कर निकाल लेंगे, और उसे सिर्फ गार्निशिंग के लिए हमने ये प्याज यूज़ करी है अपने पुलाव में। अपने खड़े गरम मसाले डालेंगे, हमने जावित्री के जो 2 पीसेस ले लिए थे जावित्री, और 1/2 टीस्पून हमने इसमें लौंग, काली मिर्च, 2 से 3 स्टार एसन, बादियान फूल और दालचीनी के 2 टुकड़े ये हम ले लेंगे, और इन सब चीज़ों को हम सौते कर लेंगे। हरी मिर्च डालेंगे ऑयल में, और हरी मिर्च को भी थोड़ा सा तौते कर लेंगे 1-2 सेकंड के लिए। फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून अपना वो डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और हम इसको तब लहसुन अदरक को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसकी जो स्मेल है वो निकल नहीं जाए। फिर हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे, फिर थोड़ी देर हम ज़ीरे को सौते कर लेंगे। फिर हम इसमें अपना जो ना कोकोनट मिल्क था वो हम डाल देंगे, और उसको एक खौल आने के बाद उसमें हम अपने चावल भी डाल देंगे, और चावल को हम थोड़ी देर पकने ढककर पकाएंगे, और हम सॉल्ट जो है नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इस टाइम पर, और टेस्ट कर लेंगे और ढककर रख देंगे। फिर हम प्रिपरेशन करते हैं अपने चिकन करी की। मैंने 1 kg चिकन लिया है, और इसमें सारे पाउडर्ड मसाले लिए हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च ली है, मखानों को मैंने तल लिया है, दही लिया है 1 कप, 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, खरबूजे की मींगे, नारियल का बुरादा और तेज़पत्ता लिया है, और कुछ खड़े गरम मसाले भी लिए हैं मैंने। अब मैं एक पैन में खड़े गरम मसाले डालूँगी, वही नॉर्मल तेज़पत्ता, जावित, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी। खड़े गरम मसाले डालने के बाद फिर हम उसमें 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और हम उसको लहसुन अदरक के पेस्ट को तब तक भूनेंगे जब तक कि वो हमारा उसकी स्मेल जो है वो निकल ना जाए, उसको हम अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। प्याज मैंने उसको लाल कर निकाल लिया और उसका पेस्ट बना लिया। उसमें मैंने पेस्ट में प्याज और ये नारियल का बुरादा और खरबूजे की मींगे और मखाने, इनको मैंने पीस लिया अच्छे से, और फिर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे, और फिर इसको हम अपने पैन में डालकर भूनेंगे तेल में, और नमक डालेंगे। फिर हम अपने सारे पाउडर मसाले डालेंगे, लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हम इसमें पिसा धनिया डालेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, और ये डाल के हम खूब अच्छी तरह इन्हें भून लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, और इसमें वह कटोरी जो हमारी दही थी वो भी डाल देंगे, और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से भून लेंगे। अब हमें अपने चिकन को उसमें डाल दिया, मसाला जो हमारा बहुत अच्छे से भुन गया था हम उसमें डाल देंगे जब उसका ऑयल सेपरेट हो गया था मसाले का, तो हमने उसमें चिकन डाल दिया। अभी इस स्टेज पर आकर हमारा
चिकन जो है वो गल चुका है। अब हमें इसमें इतना मतलब इसको थोड़ा और पकाएंगे कि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए बस हम उतना ही पकाएंगे और उसके ऊपर ऑयल आ जाए बस। उसके बाद हम ढककर रख देंगे। अब हमारा नारियल पुलाव भी तैयार है, हमने उसको दम में रख दिया है फूड कलर और उसको जो हमने प्याज रेड कर कर निकाली थी उससे गार्निश कर दिया है। हमारी दोनों नारियल पुलाव और चिकन करी तैयार है, हम इसे सैलेड के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय चैनल।